आज माननीय नीतीश कुमार के जितने भी योजना है उसमें लूट मची हुई। बिजली बिल हमारे 70,000 आग लगा है, एगो पंखा चलेगा, एगो बॉल जल, कुछ नहीं जाना, मोटर न टीवी न कूलर न फ्रिज। पहले बहुत लोग लूटा, हम किसी को लूटने नहीं देंगे। केकरा केकरा में मिलेगा शौचालय का पैसा? गुनाथपुर गुजरन सके हर घर, मेरा अपना परिवार है। टीवी को भ्रष्टाचार करने नहीं देंगे। बदले नेता, बदलेगा रघुनाथपुर, नेता नहीं बेटा चुन, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ब्यास छी और के नेता बस सीमा में हमरा के बता दीजिए, बा लूटे वाला तो पैसा इतना बनू कि लोग के लूटे के तो मन में नहीं थे। एक बार देखी जो 12 साल कुछ ना कैलस, 6 महीने हिला के रख दिल। जो अपने बिहार में बीजेपी है वो अपराधीकरण हो चुका है। जनता के जहाँ विकास होना चाहिए, माननीय ओम प्रकाश यादव का जी का विकास हो चुका है। जिला पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह को टिकट मिल रहा है और उनका क्या है, वो दल बदलू आदमी है। जहिया 1 रुपया का दलाली ले लें और गरीब के हक मार जाए तो यह तलवार देखने लोग तलवार में गर्दन काट दे। ठीक बा, इस स्वाभिमान के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और प्रतिष्ठा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं कि समाज की बदलाव हो, और गरीबों के लिए लड़ेंगे, उनको अधिकार दिलाएंगे। देखिए, हमें बदलाव चाहिए। अब जनता पे डिपेंड करता है, जनता बदलाव चाहती कि नहीं चाहती। आज ये जो विधानसभा रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र है, इस विधानसभा से हर पार्टी के कैंडिडेट आ चुके हैं, चाहे वो जदयू हो, चाहे RJD हो, चाहे BJP हो। जितने कैंडिडेट की पार्टियाँ जो जब जीत के उस सीट पर आई, जनता से उन्होंने वादा किया, उन्होंने इतना वादा का पुलिंदा बांध दिया। उम्मीद था कि जनता की बदलाव, जनता की उम्मीद थी कि अब कोई आएगा तो बेहतर समाज में विकास होगा, और हमारे सुख दुख में जनता के वो जो जनप्रतिनिधि विधायक बन के जाएंगे वो काम आएंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो रहा है। और जो भी जनप्रतिनिधियाँ एक बार RJD सत्ता में आई, उन्होंने 15 साल लूट मचा दिया, लोगों के उनसे उम्मीद उठ गया। फिर उसके बाद माननीय नीतीश कुमार जी आए, फिर उसके बाद उनके भी सत्ता में आज देखिए बहुत हाहाकार मचा हुआ है, स्थिति बहुत दयनीय है। आप देखिए लालू प्रसाद यादव जी के, माननीय लालू प्रसाद मुख्यमंत्री के टाइम पे जो हमारा सूता मिल, चीनी मिल था, वो बंद हो चुका, और माननीय नीतीश कुमार जी के राज में उसको नीलाम कर दिया गया। उद्योग के नाम पे हमारे पास कुछ उतना, आज माननीय नीतीश कुमार के जितने भी योजना है उसमें लूट मची हुई। भाई, हमको दिग्गज नहीं बनना है, हमको बेटा बनना है, हमें सेवा करना है, और मेरा मकसद है लोगों के पास पहुँचना, लोगों के लिए सेवा के लिए तत्पर रहना। निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, और जहाँ तक पता होगा आप लोगों को, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का सिपाही की तरह कार्य करता था और हमेशा करता रहूँगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री का पूरा ये मतलब उनका प्यार था और स्नेह था अपने देश के प्रति, उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा डिसीजन लिया। लेकिन जो अपने बिहार में BJP है वो अपराधीकरण हो चुका है, क्योंकि जो भी जनप्रतिनिधि आता है सिर्फ वादा करता है, समाज को ठगने का काम करता है, और आज भी दलित और वंचित लोग पीछे हैं। सरकार का योजना था कि जो दलित का आरक्षण हो जाएगा तो दलित आएगा, दलित का दुख को समझेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा शोषण वही लोग कर रहे हैं। आज हमारे दलित बस्ती में आप चलिए, पूरा रघुनाथपुर विधानसभा भ्रमण कराते हैं पद यात्रा के माध्यम से, क्या आप देखिए किसी दलित के पास शौचालय तक नहीं है, घर तक नहीं। घर किसको मिला जो चमचई कर रहा है, दलाली कर रहा है? शौचालय किसको मिला जिसके घर में पहले शौचालय है? मेरा मुद्दा ये रहेगा रघुनाथपुर विधानसभा से क्षेत्र से, अगर जनता जनार्दन अपने बेटे को आशीर्वाद देता है, पहले बहुत लोग लूटा है, हम किसी को लूटने नहीं देंगे। पहला मुद्दा मेरा रहेगा पूरे रघुनाथपुर विधानसभा में जितनी पंचायतें हैं टोटल पंचायत में शौचालय का निर्माण कराऊंगा, 5 महिला का और 5 पुरुष का। दूसरी बात, उसके बाद प्रखंड स्तर पर कैंटीन का प्रावधान करूंगा, निःशुल्क सुविधा भोजन का प्रबंध एक टाइम का। उसके बाद उसके कैंटीन के प्रबंध ऑफिस बगल में एक ऑफिस निर्माण करूंगा, जिसमें जितने गरीब दलित परिवार हैं चाहे कोई भी चला जाए, उनके प्रति मेरी जिम्मेवारी और मेरे कर्तव्य बनता है उनका सेवा करे, मेरा मानवता है, उनको इंदिरा आवास, मनरेगा, शौचालय, PCC, नाला, और उसके बाद आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, जितना भी सरकारी योजना है, जितना भी कार्ड बनता है, वो सब का सब गरीब परिवारों के लिए निःशुल्क दूंगा मैं। परिवारवाद हो चुका है। आज आप अपने माननीय ओम प्रकाश यादव जी हमारे मतलब गार्जियन की तरह हैं, लेकिन जिस तरह जनता का जहां विकास होना चाहे, माननीय ओम प्रकाश यादव का जी का विकास हो चुका है। आप देखिए उनका लहेजी का मकान। बीजेपी का सिपाही बीजेपी के सिपाही से इस बार लड़ेगा? नहीं, क्यों नहीं लड़ेगा आप बताइए। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट, हमारा सबसे माननीय सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है किसी अपराधी अच्छा भ्रष्टाचारी को टिकट नहीं देना, उसके बाद अगर पार्टी ऐसे कैंडिडेट को टिकट देता है उसका जनता बहिष्कार करे, अपना वोट बर्बाद नहीं करे, उस वोट का कीमत समझे, चुनाव का समय आके
हाथ जोड़े ला लो पैर पर गिरता लो आ कहत लो वोट दलो नु तो घर हई कह दे तो हऊ कह दे आ फिर पाँच साल बॉर्डर में कोनो पंचायत पर नहीं खेलो कतलो। मेरा जन्मभूमि है और यहीं से अपने परिवार से रघुनाथपुर विधानसभा का हर घर मेरा अपना परिवार है और जात पात धर्म से ऊपर उठ के विकास की राजनीति करनी है और समाज को बदलाव में लाना है। जो भी कैंडिडेट वहाँ से लड़ रहा है मानिए हरिशंकर यादव पाँच साल विधायक रहे हैं मेरे पंचायत की स्थिति घूम के आप देख ले कोई विकास नहीं। अभी चुनाव समीप आया है तो 15 लाख का आप ठीक है नाले का निर्माण कर रहे हैं वो, फिर उसके बाद से जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं बहुत लोगों का नाम आ रहा है पार्टी क्लियर करे किसको टिकट देगा, मुझे उम्मीद है अगर युवा बेहतर है तो उसको टिकट देंगे नहीं तो हम इंडिपेंडेंट तो लड़ना ही लड़ना है। मानिए जिला पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह को टिकट मिल रहा है और उनका क्या है वो दल बदलू आदमी है, कभी जदयू में गए कभी आरजेडी में गए कभी बीजेपी में गए, क्या ऐसे ही पार्टी में क्या कार्यकर्ता नहीं है जो बीजेपी के लिए आरजेडी के लिए जदयू के लिए समर्पित कार्यकर्ता है जिन्होंने जीवन भर अपने पार्टी के लिए दिया, क्या उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए? उनको टिकट मिल रहा है जिसके पास पैसा है जो बिजनेसमैन है, आज पॉलिटिकल लोग को सेवा नहीं करके बिजनेस बना कर रखे हैं लोग लूट मचा कर रखे हो। देश की सेवा के लिए बेटा निकल चुका है सब कुछ त्याग करके और समाज के बदलाव के लिए राजनीति करता है, किसी भी को भ्रष्टाचार करने नहीं देंगे। मेरे रघुनाथपुर विधानसभा में 1 रुपया का कोई दलाली होगा उसका हेल्पलाइन नंबर लॉन्च करेंगे। मैं बीटेक किया हूँ सिविल इंजीनियर और एमटेक के सर्टिफिकेट हमारे वजह छूटल बा, पैसा वैसा बा ना लोग के सेवा करे खातिर विधायक के चुनाव लड़ते नहीं तो लोग 10-50-100 जोन मदद करता चुनाव लड़ते नहीं पैसा हो तो एमटेकवा के सर्टिफिकेटवा ले आए रोल तनी मदद कर दे लोग जनता मदद कर दी सर्टिफिकेटवा फसल बा लियावे के बा हमारा। बीजेपी डबल इंजन की सरकार है, लालू तो लूट कलन 15 साल अभी लो लूटत लो दबा के मतलब अधिकारी बालो नेता बालो तो कम से कम जनता के सुख दुख देखे के चाहिए नु, जनता कितना मुसीबत में बा ओकरा गरीब के शौचालय पहुँचता कि ना राशन पहुँचता कि ना घर बा कि ना नाली बा कि ना पीसी में 7 निश्चय योजना माननीय मुख्यमंत्री जी का है इसमें लूट मचा हुआ है। नहीं नहीं भैया पता कीजिएगा जब हम विदेश से आए थे ना तो सुषमा स्वराज जी के प्यार और स्नेह के वजह से आए थे तो हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी खातिर जाके प्रचार कनी कहाँ बनारस में, फिर स्मिता ईरानी के लगे खातिर अमेठी में प्रचार कनी, तेज सूर्या जो है बीजेपी के सांसद उनके लिए प्रचार किए, फिर यहाँ पे हम अजय सिंह खातिर प्रचार नहीं किए, हम कविता सिंह के लिए प्रचार किए कि वो एजुकेटेड हैं पढ़े लिखी हैं और मुझे लगा कि 4 साल अभी भी समय है उनके पास वो बदलाव करेंगे और विकास करेंगे उनके साथ रहें। देखिए किसी का संरक्षण नहीं है, मुझे महाकाल का संरक्षण है, हर जाति हर बात के हर दलित का और धर्म का और परिवार का आशीर्वाद है। सिवान में तो एगो नेता बेटा हम देखते नहीं जे एबरा बन गई बा ब्यास सिंह और के नेता बा सिवान में तो हमरा के बता दी जे बा लूटे वाला तो पैसा इतना बनू कि लोग के लूटे के तो मन में नहीं खे, एबरा देखी जे 12 साल कुछ ना कैलस 6 महीने हिला के रख दिल बा अब सब विधायक से लोग उम्मीद करते वह काम करो वह काम कर हम तो ऐसा कह देनु कि कोनो जना विधायक कार ना करो तो पब्लिक धके मार। हाँ जनता भरोसा कहाँ जता ये बताते नहीं, जनता भरोसा एक खातिर जती हम पहले वो नारा दिले बानी बदले नेता बदलेगा रघुनाथपुर नेता नहीं बेटा चुने पहले के हमारी नारा बा ठीक बा हमारे पोस्टर वाले देख ले होकर साफ सुथरा बात बा जहिया 1 रुपया का दलाली ले लेम आ गरीब के हक मार जाएम तो यह तलवार देख नहीं लो तलवार वाल लमे लमे वो गर्दन काट देम ठीक बा। स्वाभिमान के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और प्रतिष्ठा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं कि समाज की बदलाव हो और गरीबों के लिए लड़ेंगे उनके अधिकार दिलाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में धूम मचाने के लिए आपके शहर सिवान में आ गया है दास इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पर आपको मिलेगी हर प्रकार की नंबर 1 ब्रांडेड वस्तुएं, जिसमें मॉडलर स्विच टेबल फैन सेलिंग फैन फैंसी लाइट्स आदि प्रकार की ओरिजिनल वस्तुएं हर समय उपलब्ध रहेंगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए दास इलेक्ट्रॉनिक्स NR मार्केट शॉप नंबर 2 N3 महादेवा नियर शिव मंदिर सिवान।